तो हेलो पबजी लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे फर्स्ट गेम प्ले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला गेम प्ले वीडियो है, तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट ज़रूर से देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिंह डेल्टा में उतरा था, यहाँ पर एक टीम आई हुई थी, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक बंदा दिखता है, सबसे पहले उसको निपटाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको नॉक कर दिया था, और साथ में इसके सामने इसका फ्रेंड भी आता था, उसको भी सबसे पहले मार कर देते हैं। दोनों बंदों को नॉक करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर कवर में चला जाता हूँ और अपनी सारी गन्स को रिलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी इनके दो बंदे और बाकी थे और मेरा जो वेस्ट था वो लेवल वन का ही था। तो यहाँ पर मैं हेलमेट जो है लेवल वन का था, तो यहाँ पर मैं कवर में आ जाता हूँ, यहाँ ऊपर से TPP लेने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे फुटप्रिंट्स आते हैं इसके तीसरे बंदे के, वो मैं सोचता हूँ कि वो मुझ पर रश करेगा, पर वो ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो कि उसको मैं पकड़ के मार दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि जो पानी के बीच में था, आउट हो जाता है, फ्रेंड्स मिल जाता है। उसके बाद जो मैंने नौके थे उनको डेमेज देकर मेरा किल कंफर्म करा देता है, उसके बाद हम और बंदे को खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आसान आराम से लूट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो की स्पेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लूट करने के बाद सिंह डेल्टा के इस साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लूट कर रहे थे, सभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उसका किल कंफर्म कर देते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरी साइड। तो फ्रेंड्स, इसको किल करने के बाद इसकी पेटी लूट लेता हूँ, और इसके बाद इस पास वाले झोपड़े में मुझे S12 की मिल जाती है, जो कि आगे मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इस गेम प्ले में आपको S12 के चलाते हुए दिखाई दूंगा मैं। तो इस S12 की अगर नहीं होती तो फ्रेंड्स शायद मैं चिकन डिनर इतने सारी किल नहीं कर पाता था, पर अगर S12 की मिलती तो आप जानते हो फ्रेंड S12 का जलवा जो कि आप देखने ही वाले हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं S12 के लेकर यहाँ पर ट्रिपल स्टोरी सिंह डेल्टा की ट्रिपल स्टोरी पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे सामने की तरफ बंदा दिखता है, एक बोट बंदा दिखता है, तो सबसे पहले उसे किल करेंगे, उसके बाद एक पूरी टीम दिखेगी, उसको भी हम निपटाएंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स इस बोट को बोट की तरह मारने के बाद सामने की तरफ एक टीम रहती है, कोई चार बंदों की टीम रहती है, जिस जो मेरा फ्रेंड था उसको खुले में जो फायर दे रहा था, बंदों को देखिए। तो फ्रेंड्स, दो बंदे जो यूजी में बैठ कर आते हैं, जिसमें S12 के वाला बंदा होता है जो यहीं पर रुक जाता है, वो मेरी पेटी जमा देगा और सामने वाले की मैं मार दूंगा। तो यहाँ पर वो एक बंदा वापस से लौट जाता है मेरे फ्रेंड को मारने के लिए, और यहाँ दूसरा बंदा मुझे S12 के लेकर मारने के लिए आता है। तो फ्रेंड देखिए कैसे निपटाते हैं बंदे को। मैं इस बंदे को नॉक और किल दोनों कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी पेटी लूट लेता हूँ। सामने ने मेरे टीममेट को मारा था, तो इसका बदला मैंने यहाँ पर ले लिया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं सारी गन्स रिलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पर TPP लेता हूँ, पर मुझ पर कुछ गन साउंड सोर्स आते हैं। यहाँ पर मैं उसको याद रखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं साइड में आकर अपनी हीलिंग वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर एक बंदा जो मेरे टीममेट को फायर करता है, तो सबसे पहले उसे निपटाते हैं। Down.
तो फ्रेंड्स उसे तो आसानी से नॉक कर दिया, पर उनका एक टीममेट था जो मेरे ऊपर रश करने वाला था, तो फ्रेंड्स उसने मुझ पर रश कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, भाई इनके तीनों टीममेट को तो मैंने नौ को फिनिश दोनों कर दिया। भाई उसको पता है कि जब इसके पास S12 की है, तो भाई ये किस कॉन्फिडेंस से मुझ पर रश कर रहा था पता नहीं चल रहा था भाई कि इतना कॉन्फिडेंस ये लाते कहाँ से है। जब पता है कि सामने वाले बंदे के पास S12 के है, तो फिर लोग क्यों रश करते हैं भाई, मेरी तो गांड फट के हाथ में आ जाती है। मैं कभी किसी S12 के वाले बंदे पर रश नहीं करता हूँ, तो ये बंदा किसी इस हिसाब से मेरे पर रश करने आ गया। तो फिर सब बात थी इनके चौथे बंदे की, जो कि बग्गी लेकर आ रहा था। तो मैंने रहा था, तो देख के इसको कैसे निपटाते हैं। तो इसको भी इजीली सीधा फिनिश कर देते हैं। उसके बाद इसकी लूट कंप्लीट करके हम सीधा गाड़ी उठाते हैं और सामने बंदों की तलाश में निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर यूजी लेकर मैं अपने फ्रेंड को लेकर बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। और यहाँ पर ड्रॉप की तरफ मैं मुड़ जाता हूँ। उसके बाद कुछ फायर्स आते हैं हमारी तरफ, तो मैं सीधा कवर में, सबसे पहले कवर में जाता हूँ। तो तीन बंदे और बचे हुए थे और हम दो थे, तो सबसे पहले मैं कवर में आ जाता हूँ इस ट्रिपल स्टोरी के पीछे। और उसके बाद देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सामने वाली बिल्डिंग में तीन बंदे थे, तो यहाँ पर मैं TPP ले रहा था। और यहाँ पर मैंने एक नेड को किया और दो और मुझ पर कुछ गन शॉट आए, तो मैंने वापस डाल दिया। और किसी ने AWM का शॉट दिया, तो मैं यहाँ पर डर गया फ्रेंड्स, क्योंकि एक बंदे के पास थे S12 के और उसी के पास थी AWM। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं TPP लेने लगा और यहाँ पर ये नेट ग्लिच देखना, ये मैं यहाँ पर नेट टॉस किया और ये नेट गिर गया और सामने वाले बंदे ने भी मुझ पर नेट नाक दिया, यहाँ पर मैं सीधा नॉक हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखना कि बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन होने वाली है। बचा कैसे और बचा तो और ये चिकन डिनर भी करेंगे। वेट करो भाई, यहाँ पर देखो मैं वाला हूँ, और इसके लिए आपको एक लाइक ज़रूर से देना पड़ेगा। अगर मैं आप सिचुएशन समझना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बचूँगा ना, उसकी सिचुएशन देखना भाई। तो देखिए, और मेरे टीममेट ने ठीक 0 HP पर मुझे रिवाइव दिया है, जो कि मैं उसका वो एहसान भूल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अभी एक बंदा है उसको निपटा के चिकन डिनर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो तीनों बंदे रिवाइव हो जाएंगे, उसके बाद वो अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे और तीनों बंदों को मैं ही मारूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर मेरा टीममेट जो है ज़्यादा ही प्रो बनने की कोशिश कर रहा था और सीधा नीचे कूद गया, तो उसको ही निपटा देते वो तीनों लोग, क्योंकि वो तीनों ही रिवाइव हो चुके थे। यहाँ पर उसको डैमेज देते हैं अच्छा खासा, उसको नो करके सीधा किल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स उसका बदला मैं लूँगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर मेरे टीममेट को यहाँ पर सामने वाले बंदे ने नो कर दिया। सामने वाले बंदे के पास थी S12 के, उसने उसको नो कर फिनिश दोनों कर दिया। तो यहाँ पर मैं TPP लेने लगा बिना फुट प्रिंट्स दिए, ताकि सामने वाले बंदे को पता ही ना चले, क्योंकि सामने वाले एक बंदे के पास थी S12 के। तो यहाँ पर मेरी तो फटी हुई थी और यहाँ पर मैं चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे पास भी S12 की थी, पर सामने तीन बंदे थे उनमें भी एक के पास S12 की थी। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, और इन बंदों की एक ख़ास बात है, ये सभी एक एक करके आएंगे, वो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से इनको निपटाएंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड नॉक होने के बाद पूरी 5 गोलियां खाने के बाद ये बंदा जो है नॉक और फिनिश दोनों हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको नॉक करने डैमेज देता हूँ और इसका भी किल कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद बचता इसका आखिरी बंदा, जो कि ऊपर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो उसको पता था कि उसके सामने वाले बंदे के पास S12 के है और वो ऊपर आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैं बहुत देर तक TPP लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ और सीधा इसको किल करने के बाद मिलते हैं।
तो इसको मारने के बाद हम कर लेते हैं चिकन डिनर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में। तो यहाँ पर मैं होता था इस डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ ट्रिपल स्टोरी पर। तो उतरते यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक होलोग्राफ मिल जाता है जो कि किसी काम का नहीं है। और यहाँ पर मैं लूट करने के लिए नीचे जाता हूँ तो मुझे एक स्कार एल और कुछ एमओ लेवल 1 की वेस्ट मिल जाती है। तो और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ टीपी प्ले रहा था तभी मुझे फुटप्रिंट्स आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैसे बंदे को निपटाता हूँ। और हाँ जिसको मैं नॉक और फिनिश दोनों कर लेता हूँ। और इसके पास जो AKM होती है उसको उठा लेता हूँ और ये AKM मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिएगा और मैं उन कुछ बंदों को और मारता हूँ। तो देखो तो उनके एक बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ ऊपर एक बंदा टीपी पे ले रहा था। तो सबसे पहले बंदे को फिनिश करके उसका किल कंफर्म कर देंगे। और आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत देर तक टीपी पे लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सीधा फोरेक्स देखिए और यहाँ पर जो मेरा पिंग थोड़ा हाई आ गया था इसलिए कि मुझे अच्छा खासा डैमेज दे देता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस बंदे को कैसे निपटाते हैं। और इसी बीच आपको मेरे टीममेट की थोड़ी बहुत कमेंट्री देखने को भी मिलेगी जो कि बहुत ही गजब का बोल रहा था। तो अरे भोसड़ी के कहाँ पे हैं ये मादरचोद। तो यहाँ पर फ्रेंड सामने वाले रूप पर एक बंदा था जो कि टीपी पे ले रहा था। तो यहाँ पर मैं बोट है कि जी अलग बोट पर वो सामने वाला बंदा जो है अपनी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बहुत देर तक टीपी पे लेता हूँ और सामने वाले बंदे की लोकेशन करता हूँ पर वो बंदा बिल्कुल भी लोकेशन नहीं दे रहा था क्योंकि वो बहुत ही अकेले बचा था और सामने वाली टीम के लिए अकेले बंदा बचा था। और बहुत गजब की टीपी पे लेता है पर हम उसको निपटा देंगे। तो देखिए तो फिर इसको नॉक करने के बाद इसको तो मैं छोड़ देता हूँ सामने वाले बंदे के लिए टीपी पे लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो अपने टपले दिखाता है और मैं पी करता हूँ वो फिर से अंदर चला जाता है और उसकी लोकेशन में अपने फ्रेंड को बताता हूँ। और उसके बाद जो जिसको मैंने नो किया था मेरा फ्रेंड उसको मेरा किल कंफर्म करा देता है। और इसके बाद यहाँ पर कोई बंदा है जो मेरी बहुत बुरी तरह से मारा था, मतलब मुझे डैमेज दिया है भाई। आप गलत मत सोचो पीछे से मारा इसका मतलब आप गलत मत सोचो, पर अब हम भी प्रो प्लेयर हैं तो तो इसको नॉक और फिनिश करने के बाद मैं इसकी पेटी लूट लेता हूँ। उसके बाद उस बंदे की बारी जिसको जिसने हमारे पीछे से मारी थी तो उसकी बारी है, उसको हम आगे से मारेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी हीलिंग वगैरह कर लेता हूँ और उस पर टीपी भी लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो बंदा निकलेगा उसको मारेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए रियल है वो बॉट नहीं है पहले बोल। एनिमी डाउन। और फ्रेंड्स जो जैसे ही बंदा वो बाहर आता है उसको नॉक और फिनिश दोनों कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लूट कर रहा था तभी सामने ले रहा था उसको नॉक कर देते हैं और उसका किल मुझे बाद में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 की जगह 6 किल हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं गाड़ी उठा कर यहाँ पर ड्रॉप गिरा था वहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मेरे बुलेट्स कम थी मेरे M416 की, तो यहाँ पर मैं थोड़ी बुलेट्स ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं उसके बाद या इस वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मिलते हैं सीधा थोड़ा आगे। तो फ्रेंड्स अभी 3 बंदे और बचे थे, चार बंदे और बचे हुए थे जिसमें से मेरे टीममेट 2 को नॉक कर देता है और खुद भी नॉक हो जाता है। तो यहाँ पर तो देखिए बस
तो फ्रेंड इनके लास्ट वाले बंदे के पास थी S12 के और MK40, तो यहाँ पर मैं उसे थोड़ा डिस्टेंस बना कर खेल रहा था क्योंकि ये खुले में था और ये मुझे आसानी से किल कर सकता था, लास्ट बंदा बचा हुआ था, तो इससे मैं आसानी से निपटा कर लेते हैं चिकन डिनर। तो फ्रेंड्स ये मेरा पहला गेम प्ले वीडियो है और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भी की है जो कि मालूम है मुझे, थोड़ा सपोर्ट दिखाना और भी ऐसे ऐसे गेम प्ले के वीडियो ले लेकर आता रहूँगा। तो मुझे मालूम है इस बार मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, पर आगे से ये गलतियाँ मैं नहीं दोहराऊँगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा गेम प्ले के पबजी मोबाइल। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।